ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास की अमावस्या की कथा। वैशाख अमावस्या तिथि पितरों की पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही तर्पण और पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और साथ ही साधक को मृत्यु लोक में स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास अमावस्या इस बार 8 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही तर्पण और पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और साथ ही मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्मवर्ण ब्राह्मण था। उसने किसी संत से सुना था कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से ज्यादा पुण्य किसी अन्य कार्य में नहीं होगा, पुण्य यज्ञ से अधिक प्रभु के ध्यान से प्राप्त होगा। संत के इस वचन को धर्मवर्ण ने धारण किया और भ्रमण के लिए निकल पड़ा। भ्रमण के दौरान धर्मवर्ण पितृलोक पहुंच गया। उन्होंने वहां देखा कि पितर बहुत कष्ट में हैं और पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी इस हालत की वजह आपसे हुई है, क्योंकि उनकी शांति के लिए अब पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। पितरों ने आदेश दिया कि तुम गृहस्थ जीवन आरंभ करो और संतान उत्पन्न करो, इसके बाद हमें तृप्ति प्राप्त होगी। तो पितरों के आदेश को धर्मवर्ण ने पालन किया और गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पिंडदान कर पितरों को मुक्त कराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।